हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स अपनी बात स्टार्ट करते हैं वेव से। वेव्स आर द सच टाइप्स ऑफ सिग्नल दैट ट्रांसमिट द एनर्जी वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेव्स आर द सच टाइप्स ऑफ सिग्नल दैट रेडिएट द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रियल लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल आपने सुन रखे होंगे, जैसे कि रेडियो वेव। मोबाइल जिस सिग्नल को रिसीव करता है, जिस पे वो वर्क करता है, जिससे कॉल ट्रांसमिट होती है, वो रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं। इसी तरीके से माइक्रोवेव, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, ये सभी एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी कैसे डेवलप हुई, कहां से डेवलप हुई, इस बात को हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जानना होगा, आपको पता होना चाहिए एम्पियर लॉ एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल ने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके एक एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपीरियंस किया कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है, जो मैग्नेटिक फील्ड को एवेल्यूएट करने के लिए, जज करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, वो यहां पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो उनके द्वारा जो रूल दिया गया था, जो लॉज दिया गया था, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला। तो अभी फिगर को समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये जो एम्पियर लॉ है वो किस तरीके से फेल होता है, कहां पे इसकी जो वर्किंग है वो वर्क नहीं करती है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने, दो प्लेट्स लिए और जिसको एक सोर्स वोल्टेज से हमने जोड़ दिया है। ये बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड है। तो जैसे इस पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक करंट इंड्यूस होगा और करंट के इंड्यूस होने की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मान लेते हैं कि अगर यहां पर एक मैग्नेटिक एक एम्पीरियन लूप है जिसके मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर लॉ से वैल्यूट किया जा सकता है, जिसका लॉ है लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप। ये जो सर्कल है ये क्लोज लूप के लिए होता है और ये इंटीग्रल हो रहा है लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये जो करंट इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन करंट है जो किसी फिजिकली वायर में एग्जिस्ट करता है। तो जिसके लिए उन्होंने बताया था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई सी। तो देखिए, यहां पर किसी भी सर्किट में, वायर में अगर हम करंट इंड्यूस करते हैं तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए अगर यहां पर मैग्नेटिक कंपास लेकर आए या मैग्नेटिक या कोई भी निडल लेकर आए तो उसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है, इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। तो इस बात से पता चलता है कि यहां आसपास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस लूप को एवेल्यूट करने के लिए, अगर ये सीवन लूप है, इस लूप को एवेल्यूट करने के लिए ये जो फॉर्मूला जो उन्होंने दिया, जो एक्सपेरिमेंट किया, ये वैलिड है। लेकिन जैसे ही इस निडल को यहां पर लेकर आए इस जगह पे, तो यहां भी देखिए डिफ्लेक्शन फील हुआ। तो इसका मतलब यहां भी कहीं करंट होना चाहिए, लेकिन ये तो देखिए वैक्यूम है, एयर है, इस जगह पे तो कोई कंडक्शन करंट है ही नहीं। तो इसका मतलब यहां कंडक्शन करंट नहीं है तो आईसी की वैल्यू जीरो हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे यहां पर मैग्नेटिक निडल लिख रहे हैं उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है यहां पर जो उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है। तो मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, कंडक्शन करंट के अलावा कोई और भी है जिसकी वजह से यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। जनरली आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ रखा होगा कि जो मैग्नेट का जो इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, वो दो ही रीजन से क्रिएट होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कोई मैग्नेट उसके संपर्क में आ जाए तो वो मैग्नेट फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज द वैक्यूम दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में। तो इस बात को फिर उन्होंने इस लॉ में कुछ संशोधन किया। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये मैग्नेट जो निडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो कह रहा है कि मान लीजिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे कनेक्टेड है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब चूंकि इस पर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो रही है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती जा रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से यहां पर जो करंट है वो कंडक्शन करंट ना होते हुए यहां पर एक और करंट का नाम दिया गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और उन्होंने अपने इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो यहां पर जो मॉडिफिकेशन
क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, डी डी, तो आप इस टर्म को देखें एक बार, डी फाई अपॉन डी डी, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो उसके वजह से एक और यहां पे करंट इंट्रोड्यूस होता है, दैट करंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी पाई अपॉन डीटी। ये क्या टर्म बता रहा है, ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक प्लस या वेरिंग इन इलेक्ट्रिक प्लस, जैसे जैसे यहां पे चार्ज ज्यादा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे क्रिएट होता जाएगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए इस जगह पे हम लूप कंसीडर करते हैं, अब ये टर्म आया कहां से, तो इस बात को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लूप है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना है तो हम यहां पर लिखेंगे, हमको टर्म मिलेगा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अगर ए को यहां पर ले आते हैं तो ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ई ए है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी पाई ई, इसको ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अपॉन डी टी इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखिए ये करंट है, तो डी पाई अपॉन डी टी इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई डी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू आएगी आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई अपॉन डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस तरीके से यहां पे प्रूफ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जो करंट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसको आप देखें, अगर हमें इस सीवन लूप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो ये देखिए, ये कंडक्शन करंट यानी कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर ये टर्म यूज होगा, ये वाला टर्म यूज नहीं होगा, ये हो जाएगा जीरो। लेकिन हम बात यहां पर करेंगे C2 लूप की, अगर हम C2 लूप का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कंडक्शन करंट की वैल्यू यहां पर जीरो हो जाएगी, एंड इस ये टर्म हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये मैक्सवेल का एम्पियर लॉ करेक्शन फॉर्म है, इसलिए बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर लॉ। क्लियर हो क्या रहा है कि जो मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ में कुछ करेक्शन किया हुआ है, तो उसके वजह से इसका जो नेम पड़ा हुआ है मैक्सवेल एम्पियर लॉ। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट है इस जगह, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। देखिए, जो कंडक्शन करंट है यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई होगा जब हम इस पैरेलल प्लेस कैपेसिटर से बाहर होंगे, इस जगह पे पैरेलल प्लेस कैपेसिटर के आसपास के एरिया में अगर हमें इसको एवेल्यूट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाई। और इन बिटवीन, अगर इनर में आप पैरेलल कैपेसिटर के बिटवीन में वैक्यूम में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू यूज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस बात से एक कंक्लूजन ये निकला, क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, कंक्लूजन ये निकला कि जो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैरी करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने ये देख रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है,
या आप ऐसे समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। इसके बीच में अगर आप करंट का टर्म डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या आप इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, इस टर्म को नोट कर सकते हैं, चार्ज के नेचर को अगर देखा जाए यहां पे हमने समझ लिया कि जो अगर करंट वैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है, तो एक एक्सीलरेटेड फॉर्म आ रहा है करंट का, जिसके वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो अगर चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज टू टाइप्स के, फर्स्ट इज अ स्टैटिक, और दूसरा अगर मान लीजिए चार्ज या रेस्ट पे भी बोलते हैं, अगर रेस्ट पर है या मोशन में है। अगर चार्ज रेस्ट पर है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कॉज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का। और चार्ज अगर मोशन में है, और मोशन भी यहां पे टू टाइप्स में, दो तरीके का मोशन, एक है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म जो मोशन होगा तो वो करंट भी प्रोड्यूस करेगा साइड बाय साइड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, यानी कि वो कॉज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। इसी तरीके से अगर कोई चार्ज ऑसिलेटेड है, ऑसिलेटेड का मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेलरेटेड चार्ज, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लस मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो यही कॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, यानी कि जब कोई चार्ज एक्सीलरेटेड होने लगता है तो वो एक एनर्जी रेडिएट करता है, वो उस एनर्जी का फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में एक दूसरे को रीजनरेट करती रहती है, और ये रीजनरेट करती रहेंगी और आगे और एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ती रहेंगी। तो दिस इज द मेन रूट कॉज टू क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस डायग्राम को देखें, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजनरेट होने की वजह से, यानी कि चार्ज के एक्सीलरेट होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर। एंड जो चार्ज होगा वो एक्सेलरेटेड होगा, मोशन में होगा, मोशन में होने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, वो एक्सेलरेटेड होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, ऑसिलेटेड मोशन में होगा या एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। तो आप देखें कि एक्स वाई प्लेन में हमने जो ब्लू वाला जो ले रखा है डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं, यही कॉज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, उसका वेक्टर फॉर्म अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो जे कैप के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, और जो यहां पर के की जो वैल्यू होगी 2π/λ, और ओमेगा इक्वल टू 2π ν, और ν की वैल्यू 1/T। दिस इज द वैल्यूज। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम, तो सिंप्लीफाई करते समय हमको मिलेगा E वेक्टर इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट साइन, k की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम, तो x/λ − t/T, और यहां पे 2π कॉमन, आप इस जगह भी लिख सकते थे,
जे कैप। सिमिलरली उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में लिखेंगे तो एप्साइलन नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन कैपिटल टी के कैप, दिस इज द वैल्यू। तो यहां पर जो एप्साइलन नॉट ये ई नॉट है, ई नॉट एंड दिस इज द ई नॉट एंड दिस इज द बी नॉट, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड है, दोनों के इनका जो फेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप देखें यहां पर वो सेम है, इस वजह से जो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी आप देख रहे हैं यहां पर सेम है, इक्वल एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो सेम है, तो इस वजह से इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इक्वल टू सी, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, और जो सी की वैल्यू आएगी उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ सी अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, सी इक्वल टू 1 अपॉन μ0 ε0, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली अगर म्यू नॉट की परमेबिलिटी की अगर वैल्यू हम निकालें यहां पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ -2। सिमिलरली एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻¹² कूलॉम स्क्वायर, और जिसको इस फॉर्मूले पर अगर अप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू जो एग्जैक्टली आएगी 3 × 10⁸ m/s² स्क्वायर, 3 × 10⁸ -1। तो आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक लाइट का एक एग्जांपल है, लाइट भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि जो स्पीड निकल के आ रही है 3 × 10⁸ m/s, दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल ने यहां पर एक जो जो स्टेटमेंट था जो दिया था एम्पियर लॉ ने, एम्पियर ने जो लॉ दिया था म्यू नॉट आई सी, उसमें एक करेक्शन करके दिखाया यहां पर कि इसकी इसके अलावा ये टर्म भी होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल एरिया। याद रखें कि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्किट के अंदर किसी वायर के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो इंडक्शन करंट फ्लो हो रहा होता है, फिजिकली करंट जहां भी फ्लो होगा इंडक्शन करंट फ्लो होगा, इस टर्म को यूज करेंगे दिस टर्म विल बी जीरो, और जब हमें वैक्यूम में यूज करना हो तो वहां पे कंडक्शन करंट की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी करने की वजह से प्रोड्यूस होता है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट। आप इस फॉर्मूले से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज द चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर ये जैसे जैसे अपना वोल्टेज देता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, और जैसे ही यहां पे करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जब तक चार्ज एक्सीलरेटेड होता रहता है बढ़ता रहता है, ठीक है, करंट यहां पर इंड्यूस होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती रहेगी। क्लियर? तो दैट्स इट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू वेरी मच।